हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा धमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको वैद्यनाथ ब्रांड के महामृत्युंजय रस के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि महामृत्युंजय रस आपकी बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा देता है, इसके बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस और डोज, इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे। तो गाइस बैद्यनाथ ब्रांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है जिसके मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इंडिया में इनके प्रोडक्टों की बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। ये गाइस अधिकतर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है जो कि केमिकल फ्री होते हैं, उस वजह से इनके साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जिसके कारण लोग बिना किसी कन्फ्यूजन के इनके प्रोडक्टों को परचेज कर लेते हैं। ये गाइस बहुत ही डिमांडेबल ब्रांड है, आधे से ज़्यादा मार्केट इसने अपने प्रोडक्टों से घेरा हुआ है। ये न केवल गाइस आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है बल्कि आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्टों का भी निर्माण करता है। इससे पहले की कई वीडियो में गाइज मैंने आपको वैद्यनाथ ब्रांड के प्रोडक्टों का रिव्यू किया है, तो आज अपन इसी ब्रांड के महामृत्युंजय रस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये आपकी बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा देता है। महामृत्युंजय गाइज एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का औषधि है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आपकी जितनी सारी भी बीमारियाँ हैं उनको जड़ से ख़त्म करने में इस औषधि का उपयोग किया जाता है। गाइज महामृत्युंजय एक आयुर्वेदिक तरीके से बनाई गई आयुर्वेदिक हर्बल औषधि यानी कि दवा है, जो गाइज बैद्यनाथ ब्रांड द्वारा मैन्युफैक्चर यानी कि बनाई गई है, जिसका उपयोग अगर आपके जोड़ों में दर्द, आंखों के सामने अंधेरा छाना या फिर आपके क्षय रोग, पित्त प्रकोप, जीर्ण ज्वर, निमोनिया या फिर तेज बुखार में महामृत्युंजय रस का सेवन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके साथ साथ ही गाइज महामृत्युंजय वात पित्त ज्वर, तापमान ज़्यादा होना, शरीर का पसीना आना, जलन होना, ऐसी समस्याओं को भी दूर करने में महामृत्युंजय रस बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। या फिर आपको बार बार पेशाब आना, प्यास बहुत ही ज़्यादा लगना, भूख न लगना, ऐसी स्थिति में भी आप महामृत्युंजय रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्थिति में भी महामृत्युंजय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके अंदर गए जो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, सारे औषधीय तत्व मिलाए जाते हैं, सारे प्राकृतिक तत्व मिलाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके इंग्रेडिएंटों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिला होता है। तो गए इसके अंदर स्वर्ण भस्म, रस सिंदूर, चांदी भस्म, प्रबल भस्म, शुद्ध टंकड़, स्वर्ण माचिक भस्म और मोती भस्म, शुद्ध गंधक, ये सारी चीज़ इसके अंदर इंग्रेडिएंट के रूप में मिली होती हैं, जो आपके जितनी भी सारी परेशानी है, जैसे खांसी, छाती के रोग या फिर आपको निमोनिया, अगर जिस भी प्रकार की परेशानी हो उसके लिए ये औषधि बहुत ही ज़्यादा काम आती है। आपकी जितनी भी सारी तकलीफ हैं उनको दूर करने में ये मदद करती है। महामृत्युंजय रस बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके इंग्रेडिएंट भी ऐसे हैं कि आपकी जितनी भी रोग हैं उनको दूर करने में का काम ये करते हैं। मार्केट में गाइस ये औषधि आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है, जिसको आप टैबलेट के रूप में खा सकते हैं। और गाइस इसका जो खुराक है वो आप दिन में दो बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद, या फिर आप इसकी खुराक को डॉक्टर की सहायता से भी निर्धारित कर सकते हैं। महामृत्युंजय रस से गाइस आपके फीवर आना या फिर आपको निमोनिया होना, कफ जैसी समस्या, खांसी, बॉडी पेन से आपको रिलीफ देने का काम करता है। इसमें इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी औषधियाँ पाई जाती है, जिसकी पिपली भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। टंकण भस्म इसके अंदर बराबर मात्रा में पाई जाती है, जो आपके डाइजेशन को भी सही करने का काम करती है। काफ़ी अच्छी अच्छी औषधियाँ पाई जाती है गाइज़। अगर आप पहले से किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, पहले से किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस औषधि को लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि गाइज़ हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फ़ायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक। हालांकि आयुर्वेदिक दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति की बात में आकर के कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, वरना गाइस आपको किसी भी प्रकार का घातक साइड इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना मैं आपको ये औषधि रेकमेंड नहीं करूँगी। और गाइस आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप से अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन ही परचेज करें, तो आप ऑनलाइन बैद्यनाथ की साइट पर जाकर भी इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा गाइस इसके अंदर काफ़ी सारी मेटल धातुएं भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे मरकरी गाइस आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। इसीलिए इस दवा को लेने से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस दवा को लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ गाइस आप डॉक्टर की सलाह के बिना
इस औषधि को न लें, क्योंकि गाइस मरकरी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। इसके अलावा इसमें बोरेक्स भी प्रेजेंट होता है, लेमन और बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं जो आपको साइड इफेक्ट भी दे सकते हैं। इसीलिए गाइस आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी औषधि न लें। प्राइस भी इसका अफोर्डेबल है, इजीली तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम नई नई वीडियो डालते हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फीवर, बॉडी पेन, कफ या फिर आपको निमोनिया जैसी कोई शिकायत हो या फिर अन्य प्रकार की कोई अगर आपको शिकायत हो, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, भूख न लगना, पसीना आना, जलन होना, निमोनिया, तेज बुखार, ऐसी स्थिति में जोड़ों में दर्द, अपच, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ऐसी स्थिति में आप इस औषधि को ले सकते हैं, महामृत्युंजय। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।